सब्सक्राइब कीजिए AQ Tech हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों आप जो है एंड्रॉयड फ़ोन में, कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन में या फिर शाओमी फ़ोन में जो है MIUI 13 का वॉलपेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो है गूगल क्रोम के सर्च बार में यहाँ पर टाइप करना है MIUI 13 वॉलपेपर डाउनलोड। आपको इस तरीके से टाइप करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट वाली लिंक है, डाउनलोड 34 ऑफ द MIUI 13 वॉलपेपर। तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पर इसकी वेबसाइट की ये जो पेज है ओपन हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपको इतने सारे वॉलपेपर्स यहां पर शो हो जाएंगे। तो आप जो है यहां पर से कोई भी वॉलपेपर को जो है यहां पर होल्ड कर इस इमेज को जो है यहां पर डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप यहां पर देख सकते हो डाउनलोड MIUI 13 वॉलपेपर। तो आपको जो है इस ऐप को डाउनलोड कर देना है। तो मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर दिया हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लिक हियर टू स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर इसको डाउनलोड कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो है फाइल मैनेजर में जाना है। आपके पास फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपने जो भी फोल्डर में इस फाइल को जो है डाउनलोड किया है, तो आप जो है उसको ओपन कीजिए। तो मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर ओपन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, तो आप जो है थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर एक फोल्डर बन गया है, आप जो है इस फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो है फोल्डर वाइज जो है यहाँ पर आपको इमेज देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वॉलपेपर ग्रुप में आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको बहुत सारे वॉलपेपर्स जो है यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो भी वॉलपेपर को सेट करना है, तो आप जो है उसको क्लिक कर ओपन कीजिए। गैलरी में ओपन हो जाएगा ये, यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये गैलरी में जो है यहाँ पर ओपन हो गया है। आपको यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको जो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सेट एज वॉलपेपर, तो इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, सेट एज लॉक स्क्रीन, सेट एज होम स्क्रीन, सेट बोथ। तो आप जो है इसको सेपरेट लॉक स्क्रीन पर भी रख सकते हैं, होम स्क्रीन पर भी रख सकते हैं। अगर आपको दोनों पर रखना है, तो आप जो है यहाँ पर सेट बोथ के ऊपर क्लिक कीजिए। तो मैं यहाँ पर अभी इसको होम स्क्रीन पर ही सेट करता हूँ, तो यहाँ पर सेट एज होम स्क्रीन कर लेते हैं। उसके बाद ये वॉलपेपर जो है वहाँ पर सेट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, वॉलपेपर जो है मेरी होम स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो इसी तरीके से जो है आप MIUI 13 के वॉलपेपर जो है अपने एंड्रॉयड फ़ोन में सेट कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।